Lights, camera, action. बहुत मशहूर कार्टूनिस्ट हैं मनोज सिन्हा मनोज जी। कमाल की बात यह है कि इस कैरेक्टर को लिखा भी मनोज जी ने, उनका नाम मनोज संतोषी जी है, और जो कार्टून बनाया है वो भी हिंदुस्तान टाइम दिल्ली में है, तो उन्होंने ये कार्टून बनाया तो मुझे इतना पसंद आया कि मैंने अपने मेकअप रूम में लगा लिया। बाकी ये कुछ फैमिली फ़ोटो हैं, ये वाइफ हैं, ये बेटा है, ये अकेले नौनौ ठैया के बराबर है, इतना शैतान है कि हिम्मत ही नहीं हुई कभी दूसरा करें। बाकी बस यही सब। हेलो सर, समय बेसिकली एक नया शो आ रहा है जिसमें हम ना आर्टिस्ट के रील और रियल कैरेक्टर के बारे में बताते हैं ऑन टीवी। तो सर हम ये डिस्कस करना चाहते हैं कि आप क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रही है? आप ऐसे पुलिस ऑफिसर की वर्दी पहन के क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं ऐसे आओ भाई, आपको किसने अलाउ किया ये वर्दी पहन कर ये करने के लिए? किसने अलाउ किया? नहीं अलाउ नहीं, ये तो शूटिंग चल रही है तो वर्दी पहन ली, वैसे तो वर्दी। और ये कैमरा के सामने आप ये नकली पुलिस वाला बन के क्या बोल रहे हैं? ये तो स्क्रिप्ट दे रहा था तो उसके हिसाब से कर रहे हैं। अरे चलो हटा हटा इसको हटा। नहीं नहीं आप समझे नहीं, ये रियल पुलिस वाला नहीं है मामला, ये सिर्फ शूटिंग के लिए पहन लिया अभी। नहीं वो शो था सेट पर, ये इधर आप पुलिस के ड्रेस पहन के क्या कर रहे हैं इधर? ये स्टूडियो है ना, यहाँ तो कर सकते कोई मतलब नहीं स्टूडियो से मुझे, क्या कर रहे हैं आप लोग? एक सेकंड, परमिशन ली है ना? बताया नहीं इनको परमिशन ली है यहाँ की? आपको पता ही नहीं इन्होंने परमिशन ली है? कहाँ है परमिशन, बताइए परमिशन किधर है? सॉरी चलो आगे से नहीं करेंगे, आप पहले बता देना इनको। आपको आपको थाना चलना पड़ेगा। चलिए 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 आप चलिए चलिए। ये कौन करेगा? चलिए ये इतना महंगा। अरे सुनो सर, सॉरी हम आपसे प्रैंक कर रहे थे, मजाक कर रहे थे आपके साथ, सॉरी। तुम हमारी बीबी के साले हो जो मजाक कर रहे थे? नहीं नहीं कैसे, ये मजाक चल रहा है यहाँ? सर हम भी तो आपके तो एक्टर हैं सर, वो उतारो तो एक्टर ही है सर, वो मजाक कर तो कैसे, हमने तुमसे मजाक किया क्या? सर, क्या मजाक हो रहा, करोड़ों का सेट लगा यहाँ पे? माफ कर दीजिए, क्या माफ कर दीजिए, देखो इसको अनुभव जी। नहीं ये क्या है? अनुभव जी मैं अब्बास, ये कैसे आया यहाँ अंदर? अरे अनुभव जी मैं अब्बास, ये सीन समझा रहा है मुझे, कह रहा है परमिशन नहीं ली। मैं डायरेक्टर हूँ अब्बास गजदर, और ये हमारी टीम है, और हमने सोचा कि एक छोटा सा आपके साथ में एक प्रैंक कर लेते हैं, उस वजह से ऐसा होता है। यही करना था तो काहे को डायरेक्टर बनना, यही करो ना फिर। डायरेक्शन मजाक है क्या? ये कैसे बात कर रहे हैं आप? ये कैसे बात कर रहे हैं आप? सर माफी चाहते हैं, माफी चाहते हैं सर, मुझे माफ कर दीजिए। अरे क्या कर रहे थे, मजाक कर रहे थे ना? सारे तुम मजाक कर रहे थे, हम मजाक कर रहे हैं, करो मैं शूटिंग आ गई। हाँ जी नमस्कार, मैं योगेश त्रिपाठी, भाभी जी घर पे हैं और हप्पू की उल्टन पलटन शो का दरोगा हप्पू सिंह, जिसे आप अच्छी तरह से जानते हैं। योगेश त्रिपाठी दरोगा हप्पू सिंह की तरह ही हंसी मजाक वाले हैं, बस रियल लाइफ में दो चीज़ें नहीं करते, सड़क की या मोहल्ले की कोई गोरी में है मैं तो उसको इस तरीके से नहीं छेड़ते और इस तरीके की निछावर नहीं लेते। बाकी हंसी मजाक का तो वैसे ही मामला है, सेट पे भी वैसे ही है, दिन भर हंसते खेलते, हमारे यहाँ शूटिंग होती है पता भी नहीं चलता कब 9 से 9 रात के बज गए। सर पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने कभी कोई रूल ब्रेक किया है? बहुत सारे किए हैं, क्योंकि मेरी फैमिली टीचर है, सारे टीचिंग लाइन में हैं और मुझे एक्टिंग का शौक था तो शुरू से ही तोड़ फोड़ चल रही है मेरे टीचिंग में। पापा जब मुझे पढ़ाने आते थे तो मैं उनका ही जो पीरियड पढ़ता था उसके बाद निकल जाता था, फिल्म देखने भाग जाता था, और कभी भी मैंने पिक्चर का एंड नहीं देखा क्योंकि मुझे घर में आके लौट के चाय बनानी पड़ती थी, अगर वो नहीं दिखा तो उनको समझ में आ जाएगा कि स्कूल से भाग के आ गया था। बिना हेलमेट के आपने कभी टू व्हीलर चलाया है? नहीं नहीं हेलमेट तो हमेशा लगाता हूँ, जब मेरे मुंबई में भी बाइक से जाता था तो भी हेलमेट हमेशा। पुलिस का कैरेक्टर करते करते रोप जानने की आदत पड़ गई होगी आपकी तो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें उल्टा जिस टाइप का कैरेक्टर बनाया है इसमें रोप तो झाड़ ही नहीं पा रहा है, ये उल्टा बातें ही सुनता है। आप रियल पुलिस वालों को देखकर डर जाते हैं कि पुलिस की वर्दी पहन पहन कर आपके सारा डर ही निकल गया? नहीं कभी पाला ही नहीं पड़ा उनसे, कभी ऐसा कुछ ना काम पड़ा है ना कभी ऐसा कुछ हुआ है सिचुएशन में कि उनसे कभी रूबरू बातचीत करने का मौका मिले, और ऐसा नहीं है, जो मिले भी हैं तो कभी ऐसे नहीं कि उनको देख के डर लगे, बल्कि इस रोल को जब से कर रहा हूँ तब से लोगों का उल्टा प्यार ही मिल रहा है, लोग अपने घर भी बुलाते हैं और पूछते हैं कि आप कैसे इतना अच्छा ये रोल करते हैं, और आपका तो लुक भी बिल्कुल नहीं मिलता है, और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप दरोगा हप्पू सिंह का करते होगे, क्योंकि ना आपकी हाइट है ना वैसी पर्सनालिटी है, बहुत सारी चीज़ें।
क्या कभी किसी ने आपको रियल पुलिस वाला समझा है? बिल्कुल नहीं। किसी पुलिस वाले ने आपको कभी पैसे देने की कोशिश की है? पुलिस वाले को तो नहीं, एक बार ट्रेन का कुछ किस्सा याद है, हमारी शूटिंग थी चर्च गेट में और सुबह के 5 बजे जब पैकअप हुआ तो लाइन क्रॉस करने के बाद याद आया मुझे कि मैंने टिकट तो लिया ही नहीं, तो उस टाइम पे कुछ पैसे देने पड़े थे मजबूरी। थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने हमारे क्वेश्चंस का जवाब दिया। तुमने क्वेश्चन कहाँ पूछे, तुमने तो दरोगा की पोलें खोली हैं।